जब उनको आप सलाह दीजिए कि साहब ये रूटीन रखिए तो अच्छा होगा, तो लोग कहते हैं रूटीन के लिए वक्त नहीं है। तो मेरा उन लोगों से सवाल होता है, क्या आपके पास बीमार होने का वक्त है? तो संभवतः सामान्यतया व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। ये जीवन एक वृक्ष है, यह तभी हरा भरा रहेगा जब आप इसकी जड़ों में पानी देंगे, यानी कि आप अपने लाइफस्टाइल को सही रखेंगे। जीवन रूपी वृक्ष की जड़ें आपका लाइफस्टाइल है, जिसको कि हम लोग दिनचर्या कहते हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट विषय दिनचर्या की। दिनचर्या यानी आपका डेली रूटीन। देखा गया है और हम यह सब जानते और मानते भी हैं हम सब लोग कि हमारी दिनचर्या यानी डेली रूटीन अप टू द मार्क नहीं है। कभी आपने सोचा है या एक बार सोच के देखिए कि आप कितने प्रोग्राम्ड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। एक सूरज है जो अपने वक्त निकलता है, वो सूरज अपने वक्त डूबता है, मानसून है अपने वक्त पे आता है। सृष्टि के या नेचर के हर चीज़ का, कुदरत की हर चीज़ का नियम है, और वह नियम हर पल, हर सेकेंड, हर मिनट फॉलो होता है। तो क्या हम लोग अपने जीवन को नियमों को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी संसार में रह रहे हैं और संसार में पृथ्वी के घूमने से लेकर बच्चे का जमीन पे पहले कदम तक रखने से लेकर पेड़ कितने साल जीवित रहेगा, इंसान कितने साल जीवित रहेगा, जानवर कितने साल जीवित रहेगा, हर चीज फिक्स है। तो जो हमारे जीवन का शेड्यूल है, क्या वो फिक्स है? हम सब जानते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होते हैं, वह हर सेकंड वेरिएट कर रही हैं, जो जो अर्थ रोटेट कर रही है। लेकिन हम जानते हुए भी इस इन बातों को, इन जानकारियों को, इस इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में जोड़ने के लिए तैयार कदापि नहीं है। और यह साथियों बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। आप बीमारी के हालात देखिए, अभी तो वायरस का इन्फेक्शन है, लेकिन यूं भी आप बीमारी के हालात देखिए, कैंसर के जहां पे अस्पताल है वहां पे बेड खाली नहीं है, किडनी फेलियर के जो अस्पताल हैं डायलिसिस के वहां पे बेड खाली नहीं है, क्रिटिकल केयर में पूरे हिंदुस्तान में बेड खाली नहीं है, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, तब भी हम अपनी दिनचर्या यानी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करना चाहते। मैं आज आपको इस वीडियो में अभी साबित कर दूंगा कि आपको लाइफस्टाइल को, अपनी दिनचर्या को रेगुलेट करना ही पड़ेगा, यदि आप अपनी मेहनत का पैसा बचाना चाहते हैं और उससे ऊपर आप अपना जीवन बचाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी पैसा जीवन नहीं बचा पाता। तो अगर अभी आप स्वस्थ हैं तो आपके पास वक्त है, और आपका वक्त है तो आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि एक जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, जो कि जीवंत होता है, हम सब जानते हैं कि पेड़ में जीवन है, तो वृक्ष कैसे हरा भरा रहेगा? तो आपका जवाब होगा कि उसकी जड़ों में अच्छे से हम पालन पोषण करें, उसमें यूरिया डालें, खाद डालें इत्यादि, तो पेड़ हरा भरा होगा। इसी प्रकार साथियों, जो अपना जीवन के रूपी वृक्ष है, इसका जो जड़ें हैं वह है आपका लाइफस्टाइल। तो यदि आप अपने लाइफस्टाइल यानी दिनचर्या, लाइफस्टाइल में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दिनचर्या, अगर आप डेली रूटीन को अपने बहुत अच्छा रख पाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का वृक्ष हरा भरा होगा। तो यह साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका बड़ा रोल है। अगर हम लोग आयुर्वेद की तरफ जाएं तो आपको हम बता दें, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एक पीरियड होता है, पूरा आयुर्वेद में डिफाइन है, जिसको कफ कहते हैं। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक पीरियड होता है जिसको पित्त कहते हैं, और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पीरियड होता है जिसको वात कहते हैं। उसके बाद फिर ये जो है शाम को, फिर ये इसी साइकिल में रेगुलेट होता है। तो इसमें जो पित्त होता है साथियों, अब देखिए, जो कफ होता है, कफ आपके सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है, जो पित्त होता है वो आपके डाइजेशन के लिए होता है, इसीलिए कहा जाता है आप 2 बजे खाना खाएं, और जो वात होता है वो आपके उस वक्त के रिलैक्सेशन और बॉडी के इंटरनल एनर्जी के लिए होता है। तो देखिए,
सब कुछ पीरियड डिफाइन है, लेकिन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते आज के मशीनी युग में। तो साथियों, हम आपको बताएंगे कि क्या दिनचर्या आप रखें जो आप बेहतर हो, और हम आपको वास्तव में बता रहे हैं कि यह बहुत ज़रूरी है आने वाले वक्त में बीमारियों से, अजीबोगरीब बीमारियां आ रही हैं, उनसे बचने के लिए। तो साथियों, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात सुबह की कर लेते हैं। सवेरे उठते हैं, जब आप सवेरे उठते हैं तो वो एक वक्त होता है, सुबह हमको उठना है 5 से 6 के बीच में। मैं 5 बजे कहूँगा, लेकिन कोई 5 बजे ना उठ पाए तो वो 6 बजे तक अवश्य उठ जाए। और इसको साबित करने के लिए, इसकी महत्ता को, इसकी इम्पॉर्टेंस को साबित करने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना है। आप गूगल पे बैठ जाइए और आप गूगल कर लीजिए इस दुनिया का एक भी महापुरुष, ठीक है, अगर आप में से किसी को महापुरुष नहीं बनना है, एक भी सफल व्यक्ति तो हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है जीवन में, तो एक भी दुनिया में सफल व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो सुबह 5 बजे ना उठता हो। आप कमेंट पोर्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति, सफल व्यक्ति मिले जो 5 बजे ना उठता हो। तो आप सोचिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो आपको 5 बजे उठना है, और बहुत साथी तो अपने ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि 45 मिनट सनराइज के पहले होता है, उसमें उठते हैं तो वह और अद्वितीय हो जाता है। आप सो के उठ के सबसे पहले आप ऊपर वाले को, भगवान को, पलंग पे हाथ जोड़ के याद करें, अपने दोनों हाथों को यूं मल के अपनी आंखों के ऊपर लगाएं, और उसके बाद आप सबसे पहला काम करें कुल्ला करना गुनगुने पानी से। उसके बाद आप जो टंग होती है, टंग को आप स्क्रैप करके साफ कर लें, उसके बाद फिर आप गुनगुना पानी पिएं। अगर आप आयुर्वेद का जो नीति शोधन होता है वो करना चाहें तो नॉस्ट्रिल्स में 1-2 बूंद ऑयल डाल लीजिए, उसके बाद आप अपने शरीर पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, और शरीर पे ऑयल लगाने के बाद आप थोड़ा सा वर्कआउट करिए। वर्कआउट करने से क्या होता है साथियों, जब आप रात में सोते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में फीसिस बन जाती है, आपके स्टूल इकट्ठा हो जाता है, आपकी यूरिन भी सुबह होते हैं तो होती है, उठते ही आप यूरिन कर लें, लेकिन जो स्वेट होता है वो नहीं होता, क्योंकि हम लोग, ज़्यादातर लोग एयर कंडीशन में रहते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके स्वेट भी बाहर आ जाता है, जो तीन तरह के मल कहे जाते हैं, यूरिन, फीसिस और स्वेट। तो स्वेट आपको निकालना पड़ेगा, 2 तो कुदरतन आ जाएंगे अगर आप वक्त पे सोए हैं, लेकिन तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप वर्कआउट करिए, उसके बाद फिर आप गुनगुना पानी पीजिए, बॉडी की मसाज करिए, और वार्म वाटर से आप नहा लीजिए। तो उससे पहले आप मोशन पास करके यूरिन, आप सुबह उठते ही उसको पास आउट कर दिए, मोशन भी हो गया, और जब स्वेट भी आपका धुल गया तो एक तरह से आपका बॉडी डिटॉक्सिफाइज हो गया। उसके बाद आप नाश्ता करिए। नाश्ता में भी एक बड़ा टिपिकल बात है साथियों, ब्रेकफास्ट। अपने फास्ट को, जो रात में आपने खाना 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाया है 7 बजे के बाद, जिस विषय पे मैं आऊंगा, तो व्रत आप एक तरह से तोड़ेंगे और फास्ट को ब्रेक करके आप दिनचर्या में अपने नाश्ते को करेंगे, जो कि नाश्ता बहुत हल्का होना चाहिए और थोड़ा मीडियम भारी भी हो सकता है, आप नाश्ते को करेंगे और उसके बाद फिर आप अपने काम पे निकलेंगे। फिर दूसरा वक्त आता है दोपहर का। दोपहर में साथियों, दोपहर में जो सन होता है वो आपके ओवरहेड होता है, आपकी डाइजेस्टिव एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं और आपके वक्त डोमिनेंट होता है 10 से 2। तो कहा जाता है आप 1 बजे खाना खा लें, वो मील आप अच्छे से मनपसंद ले सकते हैं, क्योंकि उस समय मैक्सिमम डाइजेशन आपका होता है, तो जितना फैट आपको लेने का शौक है आप उसी समय ले लें, तो वो आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपको डाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें बात आती है साथियों, बहुत लोग खाने के बाद आप लेटे मत, जैसे हम लोग के परिवार की औरतें होती हैं, पूरा परिवार को खिलाने के बाद, काम निपटाने के बाद थक जाते हैं और खाना खा के लेट लेती हैं,
आधा घंटा न लेटें और ना आधा घंटा पानी पिए, वरना जो आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है टू नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक पेट में वह डाइल्यूट हो जाएगा और आपके बॉडी का प्रॉपर लंच का जो हैवी मील आपने लिया उसका डाइजेशन नहीं होगा। और हो सके तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं साथ में, जिसमें बेसन बाजरा जौ चना मिक्स हो, ताकि आपको रफेज मिले। जो आज मिल का आटा आ रहा है ये बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का पेट की। और खाने को पकाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। बहरहाल तो आप इस तरह का भोजन कर लें, जो लंच आप ले लें अच्छे से ले लें, मन भर के ले लें, और भोजन करने में 20 मिनट लगाएं। कोई मान लीजिए आपके आगे फप्ती कसता है, लो इतने ज़्यादा समय तक खा रहे हैं, तो उनको कसने दीजिए। आप 20 से 25 मिनट खाने में लीजिए। आप जितना ज़्यादा सॉलो करेंगे फूड को, उतना ज़्यादा थायराइड और अन्य पूरा बॉडी आपका एक्टिव होगा, रेस्पॉन्सेज जूसेस सिक्रीट होना सब एक्टिव होगा और आपका खाना बहुत अच्छा पचेगा। आप इसको करें और उसके बाद फिर आता है रात का टाइम। रात का खाना साथियों 7-8 बजे तक खा लें, क्योंकि 10 बजे आपको लेटना है। अगर आप अपने जीवन को आइडियल, मैं देखिए इसमें बदलाव हो सकता है, हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है। हम ही लोग क्लिनिक 10 बजे के बाद घर पहुंच पाते हैं, लेकिन हम खाना 5 बजे खा के क्लिनिक जाते हैं। तो आप 7-8 बजे तक खाना खा लें। सुबह का लंच हम ब्रेकफास्ट नहीं लेते, लंच हम 9 बजे ले लेते हैं, फिर अपने यहाँ काम पे आते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं, उसके बाद ऑफिस क्लिनिक जाते हैं, वहाँ से आके फिर। तो इस तरह हम इंटरमीटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, जो थोड़ा हम लोग खाने के शौकीन हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, वो बैलेंस हो जाता है। बहरहाल आप जो है वो रात का खाना 7-8-9 बजे तक खा लें। खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक अवश्य करें, थोड़ा सा टहलें, ताकि आपके इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो और हीट जनरेट हो, और उसके बाद आप आधे घंटे बाद आप सो जाएं। सोने के समय साथियों अपने घर का वाईफाई और सारे सिस्टम को बंद कर दें। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेज होंगी, मैग्नेटिक रेज और ये सब होंगी, तो आपकी नींद में ज़रूर डिस्टर्ब करेंगी। उसके अलावा साथियों अगर आप 1 बजे खाना खा लेते हैं, जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है वो मेलाटोनिन रात के 10 बजे तक बनता है, तो अगर आप 1 बजे खाना समय पर खा लेते हैं तो 10 बजे आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि 6 घंटे बाद आपका मेलाटोनिन बनने लगता है, जो कि स्लीप को बेहतर, रिफ्रेशिंग स्लीप को इंड्यूस करता है। इसके अलावा साथियों बहुत सी बातें हैं जो आप कर सकते हैं। आप रात में दूध पी के सो सकते हैं 1 गिलास, ताकि मोशन सुबह क्लियर हो। पानी दिन भर में गुनगुना पानी पिए। आपको ये फ्रिज के पानी की आदत को भी छोड़ना पड़ेगा। गुनगुना ना हो तो नॉर्मल वाटर हो, लेकिन वो कोल्ड ना हो, वाटर चिल्ड वाटर ना हो, बहुत नुकसान करेगा। इन चीज़ों को आप फॉलो करिएगा, आप देखेंगे कि जब आप इतना कर लेंगे, और इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप 15 दिन तक कर लेंगे तो ये काम आप पानी की तरह करने लगेंगे, फ्लूइड की तरह करने लगेंगे। इतना मतलब इतना स्मूथ हो जाएगा एग्जीक्यूशन सारे काम का कि आप लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे, और इस तरह आपकी इंटरमीटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी। और एक बात मैं बताना भूल गया, ये स्नैकिंग बहुत बुरी चीज़ है। जो स्नैक्स हम लोग बीच बीच में खाते हैं यह बहुत घातक होते हैं, तो कृपया इनको ना खाएं और कोशिश करें कि घर का ही खाना खाएं। एक्सरसाइज करें, हर चीज़ का कुदरत में वक्त निहित है, तो आप क्योंकि इस कुदरत में ही आप रह रहे हैं भाई। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अपने मान लीजिए बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में आप मल्टीप्लेक्स में रह रहे हैं, मल्टी राइज बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो आपको उस सोसाइटी के प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग इस संसार में रह रहे हैं तो इस संसार के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करें, जो कि सूरज के उठने उगने का समय और सूरज के डूबने का समय है। इसी तरह आपका भी उठने का समय, आपके खाने का समय, आपके काम करने का समय, आपके सोने का समय, सब कुछ निश्चित होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं बॉडी एक क्लॉक है। और इस महंगाई के दौर में साथियों अगर आप बीमार पड़े तो आपका मेहनत का पैसा जाते देर नहीं लगेगी। इसलिए पहले ही अगर हम सतर्क हो जाएंगे तो हम अपने को और अपने परिवार को बचा लेंगे। बातें बहुत सी हैं साथियों, आगे वीडियोस में होती रहेंगी, लेकिन मैं अपनी बात इसी बात से ख़त्म करूंगा कि एक बार मेरे क्लिनिक पे एक व्यक्ति आए तो मैंने उनको यही जो कुछ बातें बताई कि आप ऐसे कार्य करिए तो अच्छा रहेगा।
तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत बड़े आदमी थे, ऑडी से आए थे, मर्सिडीज से आए थे, बोले डॉक्टर साहब इसका समय किसके पास है? तो हमने कहा तो क्या आपके पास बीमार होने का समय है? और मैं आपको बताऊं, करीब जब वो मुझे साल भर बाद मिले तो उनकी हालत आन बेड थी, कोई लगभग ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो उनको ना हो और जिसका उनका इलाज चल रहा हो, और आधा समय उनका दिल्ली में अस्पताल में गुजर रहा था, आधा समय अपने कार में गुजर रहा था। तो उन्होंने एक बार फिर मुझे याद दिलाया, बोले डॉक्टर साहब आपने उस समय सही कहा था, मैंने आपको पलट के जवाब दे दिया। तो साथियों, ये एक हकीकत है जीवन की, हमें अपनी दिनचर्या यानी डेली रूटीन को वर्ल्ड क्लास करना है। हमारे आयुर्वेद में जो कहा गया है उसको थोड़ा आप लोग स्टडी करिए, गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ है, मैं भी करता हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, इससे आप परिवार, समाज, आप और आपका ज्ञान सबके काम आ पाएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पर अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी बात का सही जवाब, संतोषजनक जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से अपने सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि जो दिनचर्या या रूटीन का इम्पोर्टेंस है वो अपने दिल की बात मैं आप तक पहुँचाने में सफल हुआ हूँगा। धन्यवाद।